नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के फिर से अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है वेदंता। देखिए, वेदंता लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है, क्योंकि इंडिया के जितने सारे माइनिंग इंडस्ट्रीज है, माइनिंग कंपनी है, उनमें से सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। और वो भी देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी नंबर वन कंपनी है। तो देखिए, कंपनी जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, जिसको माइनिंग करते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो कंपनी जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑरी एंड ऑयल गैस, तो ये सारे प्रोडक्ट्स को कंपनी माइनिंग भी करते हैं और बेचते भी है। और कहाँ पे बेचते हैं आप देख सकते हैं, इंडिया में तो वो बेचते ही है, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका, नामीबिया, साथ ही साथ आयरलैंड, साथ ही साथ लिबेरिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इस जगह पे भी कंपनी प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। तो कंपनी के बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, मगर कंपनी के अंदर बहुत सारे दिक्कत, बहुत सारे इश्यूज पहले भी हो चुके हैं। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया था कि किस तरीके से मैनेजमेंट ने एक पूरा का पूरा खेल खेला, और वो भी पब्लिक के साथ, और उसका फ़ायदा डायरेक्टली मैनेजमेंट उठा लिया, मतलब प्रोमोटर उठा लिया, सर मैनेजमेंट बोलना गलत होगा, प्रोमोटर उठा लिया। तो बेसिकली इस कंपनी के जो प्रेजेंटली ऑल ओवर अक्रॉस में इंडिया में देखा जाए तो 95% टोटल रेवेन्यू आ रहा है, बाकी मालेसिया से 9%, चाइना से 3%, यूएई से 1% एंड अदर से 22%। तो कंपनी का वर्ल्ड बेसिस बिजनेस चल रहा है। तो आप कहेंगे सर ये सारे चीज़ तो मुझे पता है, तो आप इसको क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसको दिखाने के पीछे रीज़न भी है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खेल खेला है पब्लिक के साथ, वो उस खेल खेलने के बाद कंपनी खुद के बिजनेस को किस तरीके से स्टेबल किया वो देखना जरूरी है। क्योंकि कंपनी के सेल्स देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी के सेल्स बढ़ते चले गए, पिछले सालों में जो सेल्स कंपनी किए थे उससे भी ज़्यादा कंपनी के इस बार सेल्स हुआ। हम कंपनी के क्वार्टर्स को भी बीट किया, ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी बीट किया, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,300 से लेकर 5,000 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले, मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले हैं। तो अलग लेवल का जो नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट को अगर देखा जाए तो कंपनी एक जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है, और यही कारण के वजह से कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी मैं ग्रोथ दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले पॉइंट्स है, कंपनी बता रहा है कि वेदंता कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है रेज इन फाइनेंशियल क्वार्टर वन। देखिए, इस तरीके से न्यूज तब आते हैं जब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो एस्टिमेट है उसको बीट किया जाता है, मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का एस्टिमेट पॉजिटिव हुआ एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में एस्टिमेट भी पॉजिटिव हुआ, मतलब जो अर्निंग है वो शानदार एंड पॉजिटिव देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर दूसरा बात, दूसरा न्यूज़ कौन सा है आप देख सकते हैं, वेदंता अप्रूव्स किसके ऊपर कर चुके हैं आप देख सकते हैं, केयर्न जो ऑयल है, ऑयल एंड गैस है, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट टू वार्ड इनफिल वेल्स, मतलब कंपनी जो गैस एंड ऑयल्स के ऊपर जो कैपेक्स है उसको बढ़ाने का अनाउंसमेंट और अप्रूव यहाँ पे दे चुके हैं। तो अप्रूवल मिल चुके हैं तो कंपनी का तो कैपेक्स बढ़ेगा, मतलब कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ $270 मिलियन, तो मतलब इन्वेस्टमेंट $270 मिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और इस बेसिस में जो कैपेक्स है वो 280 मिलियन का टोटल USD कैपेक्स को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। एक गुड पॉइंट्स है, गुड अपडेट्स है, जिसके लिए कंपनी के अच्छा खासा यहाँ पे अपकमिंग टाइम्स में जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। अभी चलो वेदंता के ऊपर कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देख लेते हैं। देखिए, पहले ही कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे बना था कुछ इस तरीके से, पहले कप बने, उसके बाद दो बार हैंडल बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और टारगेट का अचीव किया, 29% का टारगेट कंपनी पहले अचीव किया था। दूसरी बात, उसी तरीके से फिर से एक बार एक एंट्री लेवल यहाँ पे बनने जा रहे हैं। तो एंट्री लेवल कुछ इस तरीके से कप तो बन चुके हैं, सॉरी अभी तक बना नहीं, मतलब कब तो बनने जा रहा है, तो कब जब तक ना बने तब तक मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि कब बनना बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके बाद हैंडल भी बनना पड़ेगा, तब कुछ डिसीजन बन सकते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से ग्लोबली मार्केट से नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है तो उसका एक झटका तो कंपनी को लगेगा ही, उसका एक सिचुएशन कंपनी के ऊपर बनेगा। तो उसके लिए आपको डरना नहीं है, कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करना है, पेशेंस के साथ बने रहना है, तभी कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है SRF लिमिटेड। बेसिकली SRF के ऊपर बात करो तो 76,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है,
और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 62 के आसपास है, मतलब वैल्यूएशन वाइज कंपनी का हाई वैल्यूएशन है। तो क्या पहले भी वैल्यूएशन हाई था? अगर कंपनी के पी रेशियो पहले देखो तो 53 था, और आज वैल्यूएशन कहाँ पे चला गया? 62। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कंपनी में सही में ग्रोथ ठीक ठाक हो चुके हैं कि जिसके चलते कंपनी आगे बढ़ रहा है? चलो उसके लिए कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखना पड़ेगा। इस बार कंपनी का जो रिजल्ट आया वो थोड़ा सा पॉजिटिव है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, मगर क्वार्टर्स को तो बीट नहीं कर पाए। अगर एक्सपेंस के बारे में बात करो तो एक्सपेंस भी ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो तो 359 से लेकर 252 करोड़ के आसपास है। मतलब नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो पॉजिटिवली यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला, थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिले। उसी हिसाब से बात किया जाए तो कंपनीज के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से बात करो, कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। उस हिसाब से देखा तो कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लगातार बढ़ते चले गए। उस हिसाब से देखा तो कंपनी का CW जो है उसके ऊपर भी कंपनी इन्वेस्टमेंट लगातार करते चले गए। तो हर पॉइंट्स को अगर चेक करेंगे तो सब कुछ आपको ठीक ठाक ही दिखेगा, और यही कारण के वजह से शायद इसका वैल्यूएशन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि शेयर में अगर मैं टेक्निकली बात के बारे चार्ट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो टेक्निकली बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर डाउनग्रेड दिया था। डाउनग्रेड का मतलब क्या है? देखिए, जेफरीज ने जुलाई 2025 में इसके ऊपर एक अपग्रेडेशन दिया कि जेफरीज एडजस्ट एसआर प्राइस टारगेट ऑफ 2070 रुपीज़, मतलब 2125 से लेकर 2070 तक इसका डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और ये न्यूज जब से फ्लैश हुआ, जब से इस न्यूज के ऊपर करेक्शन आए, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा डाउन साइड ट्रेड देखने को मिला। और इसी डाउन साइड ट्रेड के कारण इस तरीके से डाउन साइड ट्रेड तो दिया गया जेफरीज के तरफ से, तो क्या सही में डाउन साइड होएगा? मतलब सच में सचमुच क्या डाउन साइड जाने वाला है? तो मैं बता दूं, हमेशा बड़े बड़े इन्वेस्टर कोई भी एक टारगेट और एक डाउनग्रेड देता है तो उसके ऊपर हमेशा आपको ट्रस्ट नहीं करना है। ऐसे नहीं कि हमेशा होगा ही करके। जैसे देखिए, कंपनी के ऊपर अगर 2000 के लेवल के बारे में बात करूँ तो उस लेवल से पहले ही एक बार कंपनी करेक्शन होकर वापस आया है। तो यहाँ से टच करने के बाद वापस क्यों गया? क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक सपोर्ट जोन है, और ये एक बार की सपोर्ट नहीं है। अगर देखेंगे तो एटलीस्ट 7 से 8 बार इसी जगह पे सपोर्ट लिया, 7 से 8 बार। तो इसी लेवल को बार बार वो रिटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस बैक किया। और बाउंस बैक कहाँ तक किया आप खुद ही देख सकते हैं। जब जब नीचे आते हैं तब तब मैंने आपको बताता हूँ कि रेंज कंपनी के लिए बहुत स्ट्रांग है। इस नीचे लेवल को जब जब टच करा आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी टच किया ऊपर गया, फिर से यहाँ पे टच किया ऊपर गया, यहाँ पे टच किया ऊपर गया, फिर से यहाँ पे टच किया ऊपर गया, तो 4 बार, यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 6 बार। तो एक ही रेंज के ऊपर कंपनी एक रेंज ट्रेड कर रहा है। तो फाइनली एक रेंज ट्रेड करने के बाद एक पैटर्न से यहाँ पे देखने को मिला है जो कुछ इस तरीके से काफी धन पैटर्न बने। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, बिग क्रैश हुआ, उसको रिकवरी करके ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है ये जो स्टॉक स्ट्रांगली इसका जो रेजिस्टेंस है 2660 लेवल का, इस लेवल को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी कुछ कुछ मतलब गुड डिसीजन बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जायडस लाइफ साइंस। बेसिकली जायडस लाइफ साइंस कोई छोटा मोटा कंपनी है, अभी 1,28,000 करोड़ की कंपनी बन चुका है। कंपनी का मुझे दो खास पॉइंट अच्छा लगा। कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है इंडस्ट्रीज के हिसाब से, ROC ROE बेस्ट है, इनकम जबरदस्त है, कर्जा जीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स अच्छा खासा है, अर्निंग पास शेयर भी अच्छा खासा है। और तीसरी बात ये भी है कि कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो 1.4% के आसपास है, मतलब 1% के ज़्यादा अगर किसी का क्विक रेशियो है तो एक पॉजिटिव माना जाता है। और शानदार बात यही है कि कंपनी अपकमिंग मतलब आज के दिन ही कंपनी रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है, और रिजल्ट मुझे लगता है रिजल्ट आने से पहले मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। क्योंकि कंपनी के जो शेयर प्राइस है अगर उसको देखेंगे तो कंपनी शानदार तरीके से एक अपटेन जर्नी दिखा रहा है। तो जब कोई कंपनी कंटिन्यूसली जर्नी अपटेन दिखाए, वो भी क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले, तो हायर पॉसिबिलिटी है, इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है, हायर पॉसिबिलिटी है वो अच्छा खासा एक रिजल्ट पब्लिश करेंगे। तो कंपनी के ऊपर एक कर्व बना था, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हुआ, और कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके देखिए यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो अगर ऊपर गया तो कहाँ तक जाने का चांसेस है? 1400 रुपीज़ तक जाने का चांसेस हो सकता है। मैं इस लेवल तक इस कंपनी के ऊपर वॉच करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर 20% का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो प्लीज़ इस तरीके से जब भी मैं कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को आपके साथ शेयर करता हूँ तो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, क्योंकि इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में कभी कभी मुझे लॉसेस भी होता रहता है। तो आप आपके हिसाब से आपके सेबी रिश्ते एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही सारे डिसीजन को लेना कि
मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखने का आपको चाहिए, मतलब आप जितना नॉलेज ले पाए ले सकते हैं। अगर आपको पहले से ही एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो आप आपके हिसाब से काम करिए, जो बिगिनर है तो आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए 1 रुपया भी चार्जेस मैं आपके पास से कभी भी नहीं लूँगा, आज भी नहीं लिया हूँ, कभी भी नहीं लूँगा। हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे चार्जेस के बेसिस में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सीखेंगे तो अच्छा खासा काम करके अच्छा खासा पैसा अर्निंग करेंगे, और उसके लिए खुद के और इकोनॉमी के लिए भी इंडिया का ग्रोथ होने वाला है। तो लास्ट जो कंपनी है, एक नया कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है स्पेयरकिंग लिमिटेड। तो स्पेयरकिंग लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, अराउंड 200 करोड़, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। कंपनी ने गुड अपडेट यही दिया कि कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, सॉरी कंपनी यहाँ पे स्प्लिट एंड बोनस दोनों का पहले ही अप्रैल मंथ में अपडेट दिया था। अभी कंपनी का जो फेस वैल्यू है अभी भी 2 रुपया है, और इस 2 रुपये का कंपनी फिर से 1 के बदले 1 शेयर देने जा रहा है, क्योंकि फेस वैल्यू को 1 करने वाला है, और वो भी कब मिलेगा, 14 तारीख को, 14th of August, 14th of August में कंपनी आपको स्प्लिट देने जा रहा है। तो अभी तक अपडेट यहाँ पे नहीं आया, तो जल्द से जल्द अपडेट आ जाएगा। तो इसके ऊपर वॉच करिए, फोकस करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।